अबे आपके चैप्टर नंबर 11 से, वो आता है आपके कंस्ट्रक्शन, मतलब रचना करनी है आप। और रचना क्या करनी, देखो सिंपल दो रचना पूछते हैं, या पूछेंगे बताओ स्पर्शरेखा कितनी है। जैसे रेखा है एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी खींच सकते हैं स्पर्शरेखा, एक खींच सकते हैं। और वृत्त पर देखो ऐसे पूछा है वृत्त पर स्पर्शरेखा कितनी होती तो अनंत हो जाएगी। और अगर पूछ ले कि एक बिंदु पर कितनी है तो एक ही हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है आपके, दो वृत्त है तो बताओ कितनी स्पर्शरेखा आएंगी, दो आ जाएगी, और तीन भी आ जाएगी, चार आ जाएगी अगर दोनों वृत्त दूर दूर है तो। और वृत्त अगर मान लो बिल्कुल नजदीक है तो कितनी बनेगी, एक दो और तीन। ये तो आपके नाइन्थ में था, उसका कोई पूछ ले क्वेश्चन। या वृत्त से वृत्त कट रहा है फिर कितनी बनेगी, एक इधर और एक इधर, कितनी बनेगी, दो बनेगी। और वृत्त के अंदर वृत्त हो तो कितनी बनेगी, जीरो, फिर कुछ नहीं बनेगी। या तो बनेगी ऐसी चार तीन दो एक जीरो। अगर वृत्त के अंदर वृत्त है लेकिन इसके बिल्कुल टच कर रहा है तो क्या आ जाएगा, एक, ऐसे। अब और क्या आती है, सिंपल है, इसने पूछ लिया कि बताओ चार सेमी का एक वृत्त खींचो, तो खींच लिया वृत्त। और क्या बनाओ इस पर, स्पर्शरेखा बनाओ, क्या करेंगे यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री का कोण। यस सर, ये हो गया सिंपल, छोटा सा पूछ ले। अब कभी ऐसे पूछ ले कि चार सेमी का वृत्त आपने बना लिया, चार सेमी, इसने पूछ ले कि बताओ कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, तो चार सेमी को मतलब नहीं है। आप क्या बोलते हैं, संख्या पूछिए, तो संख्या लिखनी है आपको, कि चार सेमी वर्ग से कोई मतलब नहीं है। और क्या पूछेंगे, देखो एक तो स्पर्शरेखा, एक ये है कि कोई भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, भुजा कितनी दे रखी है आपके 5 सेंटीमीटर है, उस पर क्या खींचनी है आपको वर्ग की, इसको थोड़ा मारना है, ये है 5 सेमी भुजा है, इसको बांटना है आपको 1:3 में बांटना है, या समझ लो कि 2:3 में बांटना है, कोई भी अनुपात ले लो। पहले लाइन खींचे, कितनी खींचेंगे लाइन पहले 5, फिर ऐसे ही मन मर्जी से कोई ऐसे लाइन खींच लो बिना कोई नाप के ऐसे ही, फिर यहाँ पॉइंट लिखो और जितने हैं टोटल कितने 5 है, 5 4 काटो, 1 2 3 4 5, फिर ये वाले बिंदु को इससे इससे मिला लो। मिलाने के बाद क्या करना है आपको, जो रेखा यहाँ पर है स्केल रखो यहाँ पर, उसको स्केल को इधर लो, कहाँ से लाना है आपको, इधर 3 रखने हैं उधर 2 रखने हैं, अनुपात ये देगा 2:3 का, तो ये तो होता है आपके 2 और ये कितना होता है आपके 3, तो 3 इधर होना चाहिए 2 इधर होना चाहिए, इसके बिल्कुल इधर लाओ, जो नाप ऐसा दिख रहा है सेम आपको यहाँ भी बनानी, ये रेखा और ये रेखा होनी चाहिए आप बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, जो कोण आपने यहाँ बनाया है वही कोण आपको यहाँ बनाना, सेम कोई चेंज नहीं करना है, ये 90 है तो ये भी 90, 80 है तो 80, 70 है तो 70, सेम बनाना है। सेम बनाने के बाद करनी फॉर्मेलिटी, कैसे, यहाँ प्रकार रखो ऐसे चाप काट लो, फिर यहाँ प्रकार ऐसे क्या कर लो चाप काट लो, फिर इन दोनों मिलो प्रकार से ऐसे, मिलाने के बाद यहाँ लेके आकर चाप काट, फिर क्या करो इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दो, बाहर तो बाहर मिला लो, अंदर है अंदर मिला लो, हाथ से मिलाओ तो चलेगा, ये चाप ऐसे काट लो, फिर ये वाला चाप ऐसे हाथ से गोल करो तो भी चलेगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं, बस आप पहले ये लाइनें बना दो जिससे आपके जो भुजा दे रखी है आपके 2:3 में बढ़ सके। फिर इसके बाद है आपके चैप्टर नंबर 12 में से भी कितने सवाल आते हैं, एक सवाल आएगा आपके 12 में से, अब 12 में से क्वेश्चन कौन सा बनता है आपके, वो होता है आपके जैसे ये वर्त दे रखा है, ये आपसे पूछ लिया कि ये कोण कितना है आपके, लघु त्रिज्यागण दे रखा है 70 डिग्री, तो बताओ दीर्घ त्रिज्यागण कितना है, सिंपल है, पूरा कोण कितना होता है 360 होता है पूरा, तो घटाएंगे 70 तो पीछे कितना बचेगा आपके 290 बचेगा, ये वाला, या ये दे रखा है अंदर वाला ज्ञात कर लो, अब कहते हैं कि दीर्घ दे रखा लघु ज्ञात कर लो, तो देखो दीर्घ और लघु में फर्क क्या है, 180 से अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो हो जाएगा लघु, और 180 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा आपके दीर्घ हो जाएगा बड़ा वाला, 180 से कम है तो लघु हो जाएगा वरना वो बड़ा हो जाएगा दीर्घ। और क्या पूछ सकते हैं कि आपके त्रिज्या तो दे रखी है बड़ी आर और कौन दे रखा है आपके पी, कह दो, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर ज्ञात करना हो, सूत्र क्या ज्ञात करेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई का पाई, आर कितना है बड़ा आर, थीटा कितना है पी, बस ये जमाना है, बटा कितना कर देंगे 360। आज पूछे चाप की लंबाई पूछे तो क्या लिखेंगे,
पाई आर थीटा बटा 180 या पाई वही पाई आर थीटा बटा 180 या ये भी लिख सकते हो 2 पाई आर थीटा बटा 360 एक ही बात है। वृत्त का क्षेत्रफल इनटू थीटा बटा 360 होता है आपके क्षेत्रफल, और वृत्त की परिधि इनटू थीटा बटा 360 क्या होता है आपके चाप की लंबाई। या ऐसा पूछ नया क्वेश्चन के चाप की लंबाई दे रखी है 12, त्रिज्या दे रखी है आपके 7, हमें ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या ज्ञात करने का, 1/2 इंटू एल इंटू आर। 1/2 एल कितनी है 12 और आर कितनी है 7, 2 का बाद कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 × 7 कितना होता है 42। ऐसे चाप की लंबाई का सूत्र देखो ये ऐसे भी ये और ये सूत्र एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और क्या बोलेंगे क्वेश्चन आप, अब है आपके चैप्टर नंबर कौन सा 13 में आए नहीं थे, कौन सा 15 प्रायिकता याद करना, प्रोबेबिलिटी सूत्र क्या याद करने का, सिंपल सवाल आएगा आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, फेवरेबल इवेंट बटा टोटल इवेंट, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ज्यादा ज्यादा क्या पूछेंगे कि माल पूछ लिया कि ताश के पत्ते में से इक्का निकालने की प्रायिकता, इक्के कितने होते हैं 4, कुल पत्ते कितने, कुल पत्ते 52, इक्के कितने 4, उत्तर आ जाएगा 1/3। ये भी राइट है उत्तर और ये भी राइट है, अब काटना है तो काटो, नहीं आ रहा है तो ऐसे रहने दो, सिंपल क्वेश्चन। या आज पूछ ले कि पासा फेंका, अब पासे में आपके 4 आने की प्रायिकता, अब बताओ पासे में कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक तो होते हैं आपके 6, और पासे में 4 कितनी बार आता है, 4 एक बार आता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 1/6। या सिक्का पूछ ले, अब सिक्के में अगर पूछ ले कि बताओ हेड आने की प्रायिकता कितनी, कुल कितने होते हैं, पहले 2 होते हैं, या तो आएगा हेड, या आएगा या आएगी चित, या आएगा पट, तो हेड टेन में 2 स्थिति होती है। अब पूछे चित पूछे तो भी 1/2, पट पूछे तो भी 1/2, पट नहीं आने की पूछे तो भी 1/2, और चित नहीं आने की पूछे तो भी 1/2, लेकिन पहले ही 2 ही होते हैं, अब किसी एक नहीं आएगा तो एक तो आएगा, इसलिए हमें तो क्या आएगा 1/2 ही आएगा। और तो कोई जन्मदिन एक दिन का होने की पूछ ले प्रायिकता, लेकिन वो बड़ा आता है 3 नंबर में आया तो वो आ सकता है आपसे। और तो प्रायिकता में क्या है, 5 गेंदे दे रखी है, 5 तो है काली गेंदे, 3 है हरी गेंदे, टोटल कितनी हो गई है आपके 8, इसने पूछ लिया बताओ हरी गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तो कुल कितनी है 8, हरी गेंद कितनी है 3, ये हो जाएगा। या ऐसा पूछ ले सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, सभी प्रायिकताओं का योग 1, चाहे प्रायिकता हो या प्रायिकता नहीं हो दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। या पूछ ले कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी, 1, संभव घटना मतलब क्या, पॉसिबल इवेंट, संभव ऐसा होगा मतलब जो घटना घटित होना निश्चित है उसके लिए क्या होती है प्रायिकता, हमेशा 1 होती है, और घटना घटित करना क्या असंभव घटना उसके लिए क्या होगी, असंभव घटना है तो वो क्या हो जाएगी आपके इम्पॉसिबल होती है घटना, इम्पॉसिबल तो वो क्या होती है आपके 0 होती है। जैसे मान लो मेरे जेब में 5 रुपए का नोट है, वो कहते हैं 100 का नोट निकाल लो, क्या हो जाएगा आपके ये असंभव घटना। ये ज्यादातर संभव असंभव तभी आता है जब एक ही प्रकार की चीजें हो या पूरे के बारे में पूछ ले तो ही आपको ज्ञात करना। तो आप ऐसा पूछ ले सिंपल छोटा क्वेश्चन, राइट वाला पूछ ले, ऐसा पूछ ले तो आपको ऐसा करना। अब है आपके पार्ट बी, बी मतलब जिसमें आप कौन सा क्वेश्चन आता है 11 से लगाकर 15 तक, ये क्वेश्चन आता है 11 से 15। इसमें क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था चैप्टर नंबर 5 से दिया था, ये वो तो थोड़ा सा चेंज कर देना, चैप्टर 5 का क्वेश्चन तो आएगा लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो नहीं आ सके, क्वेश्चन कहाँ जाएगा, ये क्वेश्चन आपके चला जाएगा कहाँ आएगा क्वेश्चन, ये सड़क सुरक्षा में आएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मैंने ऊपर लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 वहां क्या हो जाएगा, 11 क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा, और जो आएगा क्वेश्चन तो आएगा आपके चैप्टर नंबर 5 से 5.2 से ही आएगा या 3 से कहीं भी आएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आएगा कहां जाएगा आपके सड़सुता नियम आएगा और क्वेश्चन नंबर आपके 14 हो जाएगा। अब वो कैसे आएगा चैप्टर नंबर 5 से, जैसे पहले आया लास्ट आया तो पहले वो ले लो, एक ए है और एक क्या दे रखा है आपके बी दे रखा है,
दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 175 किलोमीटर, और स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड मतलब चाल, चाल कितनी दे रखी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में गाड़ी 70 किलोमीटर जाती है, इसे जानना है ए से बी जो गैप कितना दे रखा है 175 किलोमीटर दे रखा है। अब देखो ये जो गैप दे रखा है, पहले ज्ञात करेंगे कि ये समय गाड़ी बिना रुके कहीं भी बीच में कोई भी सिग्नल नहीं हो तो कितनी देर में पार करेगी, हमें ज्ञात करना है समय। सूत्र क्या ज्ञात करने का, दूरी बटा चाल, दूरी कितना 175 और चाल कितनी है 70, बाद में कितना आएंगे आपके 2.5 घंटे, कितना आएंगे आपके 2.5 घंटे लगेंगे टोटली। आप बाद देख देख लेना, अब बाद हो गए तो 2.5 घंटे आएंगे, 2 घंटे और 30 मिनट। अब अगर आपके ये तो पूछ लिया कौन सा गाड़ी में कोई कहीं भी रोक टोक नहीं हो सीधी चली जाए, तो अब अगर बीच में सिग्नल आ जाए, अब ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये तो समय लगेगा, ये तो बिना रोक के। अब रोकने पर कितना समय बर्बाद हुआ पहले वो देखेंगे। इसने कहा है सबसे पहले टाइम वेस्ट हुआ 1 मिनट, फिर कितना हुआ 3 मिनट, ऐसे करते करते यहां पर लास्ट में कितना हुआ 19 मिनट। ये है 1-3, सबसे पहले एक से स्टार्ट हो रहा है, सिग्नल कितने टोटली आपके पास सिग्नल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सिग्नल है। बताओ नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर जो आता है उसे बोलते हैं ए, और लास्ट में आता है उसे बोलते हैं एल, भी कह सकते हो। कितना हो गया है 19, और डी कितना, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद तो है 3 और पहला पद कितना देगा 1, कितना हो जाएगा 2। हर बार 2-2 मिनट बढ़ रहे हैं, पहले 1 मिनट रुकेगी घटी, अगली बार में 3 मिनट रुकेगी, अगली बार में 5 मिनट, फिर 7 मिनट, ऐसे रुकेगी घटी। अब बताओ यहाँ कितना टाइम वेस्ट हो गया, तो देखो हमें क्या सभी की जोड़ करेंगे कितना टाइम वेस्ट हुआ, ऐसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं उसे, सूत्र क्या है cos a plus l, ये लगाओ तो भी राइट है, नहीं तो वो लगा दो बड़ा वाला 2a + n - वो भी लगाओ तो भी राइट है, हमारे पास लास्ट पद है तो फिर यही लगाओ, सिंपल फटाफट हो जाएगा। n कितना 10 सिग्नल टोटली, एक कितना पहला सिग्नल पर 1 मिनट, लास्ट सिग्नल पर 19 मिनट। अब यहाँ भाग कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 × 20 कितना हो गया 100 मिनट हो गया, 1 घंटे और 40 मिनट। देखो यहाँ कितना हुआ 1 घंटा और, यहाँ तो लगा है आपके 2 घंटे और 30 मिनट, आधा घंटा है पीछे, आधा घंटे मतलब होता है 60 मिनट। यहां से कर लो ये 0.5 दे रखा है, उसको 60 से गुणा कर लो तो किस में आ जाएगा, ये मिनट में आ जाएगा, और यहाँ 100 मिनट लगते हैं, 100 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा और 40 मिनट। दोनों की जोड़ कर लो, अलग अलग करना है, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 1 घंटा और 40 मिनट, अब जोड़ कर कितना आएगा 70 मिनट, और यहाँ कितना आया आपके 3 घंटे, 70 मिनट होता है क्या 60 होते हैं लास्ट, इसमें से घटाएंगे 60 और इधर जोड़ लेंगे 1, क्योंकि 60 मिनट घटाएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, वो आगे आ जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा 4 घंटे और 10 मिनट, वो ऐसा याद करिए 5 सेकंड में यही आएगा, थोड़ा सूक्ष्म आएगा, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 पॉइंट 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे फर्क पड़ने वाला नहीं है, वैसे हमारा क्वेश्चन आता नहीं है, चैप्टर नंबर 7 से आ गया, यहां से नहीं आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 12, वो आता है चैप्टर नंबर 7 से, तो लिख लो, अगर नहीं लिखा तो गलत लिख दिया मैंने, चैप्टर 5 वो दो बार लिखा दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके सड़क सूक्ष्म में आता है, सड़क सूक्ष्म में भी आता है और यहाँ भी आया रोड सेफ्टी में आता है चैप्टर नंबर 5 का। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या नाम है चैप्टर नंबर 7 में कौन सा आएगा आपके, सिंपल या तो आएगी दूरी या आएगा अनुपात दिए हुए, अगर दूरी है तो क्या है सिंपल है, लोग आपके यहाँ क्वेश्चन दे रहे क्वेश्चन नहीं दे रहे, पिछले बार क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 में से, ये बार लिख दो नहीं तो है, तो 7.1 में से अगर पूछे तो आ जाएगा पीछे वाले, तो मान लो ये पूछ ले कि 2 और -5 आ गया और का है, तो एक इधर और एक आ जाएगा आपके इधर -2 और 9। अब ये है एक्स अक्ष पर का है, एक्स अक्ष मतलब क्या होता है x0, वाई अक्ष पर गए तो क्या होता है 0y, एक्स और 0 से समदूरस्थ है, या और ये दूरी क्या है आपके बराबर है, डिस्टेंस पूछे बराबर तो ऐसा बना दो, और अगर पूछे कि रेशो में बराबर है तो सीधी लाइन बना दो, यहां बना दो यहां बनाओ यहां बनाओ कहीं बना दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ये दूरी बराबर तो एक्स का मान क्या पूछा है,
ये और ये दूरी बराबर, डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर थी सूत्र, तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या ज्ञात करने का, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल, यहाँ लग जाएगा अंडर रूट। अब दूरी ये भी ज्ञात करने से मान लो ये है सी, ये है ए और ये क्या हो गया आपके बी, ए सी दूरी और बी सी दूरी क्या है, ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर है। अब ए सी दूरी पहले इधर ज्ञात करेंगे और बी सी दूरी इधर ज्ञात करेंगे, सूत्र क्या है x2 माइनस x1, ये दोनों घटन है। अब कोई फीचर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक का चिन्ह क्या करना है आपको चेंज करना है, जैसे ये वाला ये प्लस ये दोनों जुड़ रहे हैं, हम क्या करेंगे घटा देंगे x माइनस दो का होल। अब यहाँ दोनों अब जोड़ो से घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, यहाँ क्या है माइनस है वो क्या है प्लस का जीरो है, जीरो में से घटाइए कितने माइनस पांच का होल स्क्वायर, देखो जोड़ो तो भी पांच ही बनेगा आपको, मतलब नहीं स्क्वायर लगा हुआ है तो सिंपल देखना है यहाँ कितना अंतर है पांच का, और यहाँ देखो आपके अंतर निकालना है, माइनस करेंगे बीच में ये रहा माइनस बीच में चिन्ह चेंज करेंगे। अब यहाँ देखो ये माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे एक्स प्लस दो का होल स्क्वायर, और यहाँ को मतलब यहाँ पे जीरो ही है तो क्या लिखो नौ माइनस जीरो का, या जीरो माइनस नौ लिखो एक ही बात है, अंडर रूट से अंडर रूट। अब यहाँ क्या होगा ये नियम लगेगा कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस दो इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर प्लस, ये तो कंप्लीट होगा कंप्लीट ये वाला, तो फिर पीछे पांच का क्या होगा पांच का स्क्वायर, यहाँ पर वही पहली संख्या का होल स्क्वायर प्लस दो इंटू पहली इंटू दूसरी प्लस दूसरी का होल स्क्वायर प्लस पीछे दे रखा है नौ का स्क्वायर, नौ में जीरो गया नौ स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो दुनी प्लस दो दुनी प्लस पांच इंटू पांच प्लस एक्स का प्लस दो दुनी प्लस दो दुनी चार प्लस इक्यासी, चार से चार एक्स स्क्वायर। अब ये क्यों नहीं हुए, बीच में क्या है आपके बराबर है, बराबर मतलब होता है जो इधर है वो इधर है तो ही घटेगा नहीं घटेगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का ये भी प्लस कट गया आपके। अब पक्षांतर करो एक्स एक्स एक तरफ बिना एक संख्या एक तरफ, ये आ इधर है ये इधर भेज दो, उधर इक्यासी है ही है इसको इधर भेज दो, ये तो रहा माइनस का आठ है और ये कितना हो गया छप्पन, कितना हुआ गुणा में तो छप्पन बटा माइनस आठ कितना होता है सात, किसका आएगा माइनस का। अब उत्तर क्या हुआ यहाँ उत्तर लिखेंगे माइनस सात और एक्स का मान आ गया माइनस सात, फिर भी क्या लिखेंगे जीरो लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन अगर ढूंढना चाहते हो तो पिछले साल के जो तो बोर्ड पेपर आए हुए उसके हिसाब से भी आप तैयारी कर सकते हो, सवाल तो खूब है। अब और क्या क्वेश्चन बनता है देखो सात पॉइंट तीन में, तो देखो ये सात चैप्टर तो सात चल रहा है, चैप्टर नंबर सात पॉइंट दो में क्या आता है दो सूत्र है उसमें, सूत्र तो कितने उसमें दो है, कौन कौन से है एक तो है आपके x2 प्लस x1 बटा दो, एक है y2 प्लस y1 बटा दो, ये कब लगेगा जब अनुपात बराबर हो, अनुपात बराबर नहीं है तो क्या लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, या याद नहीं हो तो ऐसे पहले लिख दो m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, या x2 x1, यह आएगा y2 और y1। तो कोई भी एक अब इनमें से कोई भी एक सवाल आपके बना कर दे दे या उत्तर पहले दे दे, अनुपात ज्ञात कर लो या अनुपात दे रखा है संख्या दे रखी क्वेश्चन गाइड भी दे सकता है, जैसे देखो आपके क्वेश्चन है जैसे दे रखा है आपके माइनस दो और माइनस दो, और का है एक इधर तो एक आ जाएगा आपके इधर, ये और ये अब दोनों और लिखा हो दोनों के बीच में, मतलब एक इधर आएगा और एक क्या आएगा आपका उधर आएगा, ये ए है और ये बी है, इन दोनों इसमें इसमें लिखा हुआ है कि एपी का मान कितना दे रखा है आपके, ए कितना दे रखा है
तीन बटा चार, तीन बटा सात, तीन बटा सात एपी दे रखा है। एपी के बीच में कोई बिंदु है, एपी का है बीच में कोई बिंदु दे रखा है यहाँ पर। देखो ध्यान समझना, एपी को पूरा क्या मानो आप, सात, सात में तीन क्या है आपके एपी, तो पूरी मान लो ये वाला एक दो तीन चार पांच छह, चार भाग इधर है और तीन भाग इधर है, तो एपी कितना है आपके तीन बटा सात है, तो ये कितना है चार बटा सात, अनुपात कर गए तो अनुपात कितना है तीन अनुपात चार। अब ये दे रखा है आपको और इस अनुपात में जमाना है, कैसे देखो ये कहलाएगा x1 और y1, ये कहलाएगा x2 और y2, और ये क्या कहलाएगा m1 और m2। करो अनुपात कितना होगा, देखो ध्यान दो सूत्र क्या है, m1 m2, m1 m2 कितना तीन प्लस चार बटा तीन प्लस चार, तीन प्लस चार बटा तीन प्लस चार। अब आपके x2 x1 कितना, पहले पहले वाले दो और माइनस दो, माइनस चार माइनस दो, माइनस चार और माइनस दो, तीन दुनी चार दुनी आठ, चार दुनी आठ, तीन दुनी छह, और चार और तीन या चार दिया चार दुनी बटा सात, यह आ जाएगा आपके घटाओ माइनस का दो बटा सात, यह कितना आएगा माइनस का बीस बटा सात, आठ में से छह गए दो, और आठ और बीस कितना हो गए आठ और बारह बीस बटा सात। और अगर जो आपके बोर्ड के पेपर में जो सवाल दे रखे हैं वो मिला लो तो खूब है, अगर आप ये ज्यादा नहीं पढ़ देखो जो फर्स्ट आवर बहुत बड़ी लग रही है आपको कि बहुत ज्यादा बड़ी, इसमें से कौन सा याद करूं, सबसे अच्छा उसका एक ही इलाज है वो है आपके पेपर से मिला लो, अब सवाल वही आएंगे, फर्क क्या होगा कि संख्या चेंज हो जाएगी, अब यहाँ दो माइनस दो दे रखा है यहाँ आता है चार माइनस दो, बस फर्क ही सवाल ही आ गया, अब अनुपात आ गया आपके तीन बटा आपके सात हजार तीन बटा आठ आ गया, इसका मतलब पूरी कितनी है ये वाला भाग, पूरा कितना है आठ, आठ में से ये तीन, तो ये कितना हो गया पांच, तो संख्या जल्द चेंज हो जाएगी। बाकी आप अगर मान लो आप इतना बड़ा इतनी बड़ी मान सकते हैं सात पॉइंट एक सात पॉइंट दो कितने बड़े हैं वो कब देखोगे आप, तो इससे बता सबसे सही है आप पुराने पेपर में से जो देख लो, पुराने पेपर जो भी है पांच सात कितना आता होने चाहिए उससे देख सकते हो आराम से, खूब है।